बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हमें कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले को बोला गया ओपन चेन कंपाउंड या इसी को बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरी कैटेगरी थी क्लोज्ड चेन कंपाउंड, इसी को हम साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लास में डिवाइड किया गया। पहले को बेटा बोला गया ओपन चेन कंपाउंड और दूसरे को बोला गया क्लोज्ड चेन कंपाउंड, राइट। अब जो ओपन चेन कंपाउंड है, इस ओपन चेन कंपाउंड का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका मतलब क्या है। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब कार्बन के जो एटम्स हैं ये आपस में कंबाइंड होंगे और आपस में कंबाइंड होके एक चेन बनाएंगे, लेकिन ये चेन कहीं से भी कंबाइंड होके रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करेगी। क्लियर। जो कार्बन के एटम्स हैं वो एक चेन बनाएंगे, चेन में ब्रांचिंग हो सकती है लेकिन वो चेन कभी भी कंबाइंड होके एक रिंग लाइक क्लोज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो जैसे ओपन चेन कंपाउंड का हमारा एक एग्जांपल हो गया ब्यूटेन, ठीक है बेटा, हमने एग्जांपल ले लिया ब्यूटेन, राइट। फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड की हम बात करते हैं तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड में हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं क्या, साइक्लोब्यूटेन। आपको अच्छी तरीके से मालूम है स्केलेटन स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब इस कंपाउंड का अगर हमें फॉर्मूला लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, C4H8, क्योंकि यहाँ कार्बन, हर कॉर्नर पे कार्बन हो गए और हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, हर कार्बन पे बेटे दो बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे, टू। तो पूरा हो गया CH2, 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 CH2। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया, C4H8, ठीक है। इसको बेटा हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, राइट। तो जो ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन क्या है, एक चेन कंपाउंड है। साइक्लोब्यूटेन में भी चेन है लेकिन ये चेन कैसी है, क्लोज हो गई है। तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो होते हैं उनको हम साइक्लिक या रिंग चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, राइट। ओके, अब बेटा हम देखते हैं कि ये जो ओपन चेन कंपाउंड है इसको क्लासिफाई कैसे किया गया। अब ओपन चेन कंपाउंड ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया। पहला बेटा बनाया गया लीनियर चेन कंपाउंड्स,
लीनियर चेन कंपाउंड्स। और दूसरा बोला गया ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। अच्छा, अब यहां पर ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं कि भाई अगर लीनियर चेन है, कार्बन की कार्बन 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 जुड़ता चला गया, लीनियर कंपाउंड बना लिया तो उसे लीनियर चेन कंपाउंड बोलेंगे, और उस मेन चेन में से अगर कोई ब्रांच निकल गई कार्बन की तो उसे ब्रांच्ड चेन कंपाउंड बोलेंगे। तो सिंपल सी चीज है। यहां पर हम कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम और सारी चीजें देखते चलेंगे ताकि कंपाउंड्स के नाम भी जब यूज हो किसी रिएक्शन को कराने के लिए तो आपको उन कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो यहां जो है इसका मेन क्लासिफिकेशन जो पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। क्लासिफिकेशन में जो टर्म्स यूज हुए हैं प्लस जो एग्जांपल्स हम बता रहे हैं वो एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चल के वो टर्म आपको, वो नाम आपको बहुत यूज होना है, इसलिए उन एग्जांपल्स को आप याद रखेंगे, राइट। जैसे लीनियर चेन कंपाउंड में तो बेटा एग्जाम्पल हम देख लें। लीनियर चेन में मैंने बताया जैसे कार्बन कार्बन के एटम आपस में जुड़ते जाएं और एक चेन बनाते चले जाएं, ठीक है। तो एटम्स ऑफ कार्बन्स अटैच्ड टू फॉर्म अ लीनियर चेन। एक सीधी चेन होनी चाहिए। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच द फ्रेमवर्क ऑफ द चेन फॉर्म्ड बाय द कार्बन इज अ लीनियर चेन, क्लियर, दैट कंपाउंड्स आर नोन एज लीनियर चेन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा हम इसका एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में क्या है, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3 ब्यूटेन, ये एक लीनियर चेन कंपाउंड है। हम IUPAC नेम इसका क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूटेन। और अगर जनरल नेम बोलना होगा तो नॉर्मल ब्यूटेन, राइट। इसी तरीके से एक दूसरा कंपाउंड हम देख लें, CH3, CH2, 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 CH3। अब फाइव हो गए तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटेन। IUPAC नेम क्या होगा, पेंटेन। और कॉमन नेम में नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं क्योंकि ये लीनियर चेन कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कार्बन का जो एटम्स है वो आपस में जुड़ेगा और इसकी जो फ्रेमवर्क होगी वो एक लीनियर चेन होगी। लेकिन जब हम ब्रांच्ड चेन में आते हैं तो ब्रांच्ड चेन में क्या होगी, साइड चेन्स आर प्रेजेंट एट मेन चेन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मतलब जो मेन चेन है कंपाउंड की वो लीनियर होगी और उस लीनियर मेन चेन में से साइड चेन फिर निकलेंगे, क्लियर। तो अगर साइड चेन्स प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल लीनियर चेन या ब्रांच चेन कंपाउंड इनमें कभी भी क्लोज रिंग नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले तो ये ओपन चेन होने चाहिए। तो ओपन चेन कंपाउंड इन विच देर आर द साइड चेन फ्रॉम द मेन चेन, मेन चेन में से साइड चेन निकली हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड उनको हम बोलते हैं बेटा। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे सपोज करो कि ब्यूटेन को ही आपने देखा, तो ब्यूटेन में से अगर हम एक कार्बन को ब्रांच में ले लें और इस तरीके से बना दें, तो इसका कॉमन नेम तो हम क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। IUPAC हम आगे देखेंगे, कॉमन नेम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन क्या है, आइसोब्यूटेन इज अ ब्रांच्ड चेन कंपाउंड।
क्यों? क्योंकि इसकी मेन चेन तीन कार्बन की है और इस पर सेकेंड कार्बन से एक ब्रांच निकला हुआ है। क्लियर? इसी तरीके से बेटे जो ब्रांच चेन कंपाउंड के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं आप उनको देखोगे, जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन का जैसे एग्जांपल क्या हो गया, CH3, 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 CH3। ये भी एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। एक ब्रांच चेन कंपाउंड और है जिसका जनरली आप जब हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे आइसो ऑक्टेन। ध्यान दीजिएगा आइसो ऑक्टेन जो है काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। आइसो ऑक्टेन में CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3। इस ग्रुप को बेटा हम, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइसो ऑक्टेन। राइट? अगर एक तरह से देखो तो ये पूरा कंपाउंड क्या है बेटा, नियोपेंटाइल। ये पूरा ग्रुप क्या है, नियोपेंटाइल ग्रुप। आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक। नियोपेंटेन में से यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो नियोपेंटाइल हो गया, तो ये पूरा नियोपेंटाइल हो गया। और ये वाला पूरा ग्रुप देखो तो क्या है, आइसोप्रोपेन। ये पूरा ग्रुप क्या है, आइसोप्रोपेन। तो नियोपेंटाइल और आइसोप्रोपेन को आपस में कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया, आइसो ऑक्टेन। ठीक, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड। तो ये हुआ कि जो हमारे ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला हमारा था ओपन चेन कंपाउंड, और उस ओपन चेन कंपाउंड के ये दो पार्ट थे, एक था जो है लीनियर चेन और दूसरा था ब्रांच चेन। राइट? अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड में। क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड की जब बात करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लिक कंपाउंड में बेटे दो कैटेगरी आती है। पहली जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरी जो कैटेगरी होती है उसे हम बोलते हैं हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। राइट? होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसे आप बोलेंगे, कंपाउंड्स इन विच फ्रेम ऑफ रिंग इज फॉर्म्ड ओनली बाय कार्बन एटम्स। राइट? होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या हो गया, ऐसा कंपाउंड जिसमें जो सभी के सभी एटम हैं रिंग में इन्वॉल्व, जो रिंग का मेन फ्रेम बन रहा है उस फ्रेम में सिर्फ कार्बन के एटम्स इन्वॉल्व हैं। क्लियर? जैसे हम एग्जांपल देखें बेटा, फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करिए अगर हम बोलें ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये होगा CH2, CH2, CH2। ठीक है? तो
तो यहां पर ये जो एक चेन बन रही है, रिंग रिंग एक जो बन रहा है, ये रिंग जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स इन्वॉल्व हैं। इन कार्बन्स पे हाइड्रोजन अटैच्ड है उससे मतलब नहीं है। रिंग बनाने में सिर्फ कौन इन्वॉल्व है? कार्बन के एटम्स इन्वॉल्व है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो साइक्लिक हो और साइकिल में भी उसकी जो रिंग हो उस रिंग के फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? तो ये बेटा जो हमारा कंपाउंड है इसका नाम होता है, इसे हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन राइट। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हम देख लें जो कॉमन एग्जांपल्स यूज होते हैं। जैसे अगर मान लो 4 कार्बन का यही हो जाता, ठीक, तो इसे आप क्या बोलते? आप बोलते साइक्लोपेंटेन। ठीक, इसी तरीके से मान लो अगर 6 कार्बन का हो जाता इस तरीके का, इस कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या होगा? इसका बेटा जनरल फार्मूला हो जाएगा C6 और हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो H12। ठीक, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन राइट। इसी तरीके से इसका एक दूसरा कंपाउंड हम ले लें, अगर सपोज करिए ये कर दिया लेकिन इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गए, मल्टीपल बॉन्ड, तो अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये हो जाता है C6H6 और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजीन। अब ये इतने सारे एग्जांपल्स आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि ये जो एग्जांपल्स हैं आप इनको याद रखो। अब कहीं भी साइक्लोहेक्सेन टर्म यूज किया जाए, साइक्लोप्रोपेन यूज किया जाए, साइक्लोब्यूटेन यूज किया जाए, बेंजीन यूज किया जाए, तो आपको तुरंत ये याद आना चाहिए कि अच्छा ये कंपाउंड तो ये है, उसका फॉर्मूला आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो क्या था? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑब्वियस चीज है कि इन रिंग एटम्स अदर देन कार्बन आर प्रेजेंट, कार्बन आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन, ये कंपाउंड होता, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। फ्यूरॉन, क्लियर? अगर इसका मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो तो हम सिंपल सी चीज है, कार्बन काउंट करिए 1, 2, 3, 4, सभी बेंड पे कार्बन है, यहां तो ऑक्सीजन है तो इसे कौन से कार्बन काउंट नहीं करेंगे, तो कार्बन 1, 2, 3, 4 यानी C4। हाइड्रोजन, यहां पे देखो कार्बन पे 1, 2, 3 बॉन्ड ऑलरेडी है तो एक हाइड्रोजन होगा, यहां पे कार्बन पे 1, 2, 3 बॉन्ड ऑलरेडी है तो एक हाइड्रोजन, यानी सभी जगह एक हाइड्रोजन है, तो C4H4 और एक ऑक्सीजन, ये हो गया बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, इसी का हाइड्रोजनेशन करा दिया जाए, इसे हाइड्रोजन ऐड कर दें तो सभी जगह एक एक हाइड्रोजन अगर ऐड कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बन जाएगा ये क्या बनेगा? ये कंपाउंड बेटा ऐसे बन जाएगा, सब जगह अब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, और शॉर्टकट में बोलते हैं THF। तो कहीं पे ये वर्ड यूज हो तो आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या है, राइट? अब इसका फॉर्मूला हम देखें तो क्या होगा? C4H4 और आ गए तो कितने हो गए? 8O। क्लियर है? और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, देखते हैं।
जैसे बेटा अगर ऑक्सीजन की जगह यहां नाइट्रोजन हो और नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? पायरॉल। कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा? पायरॉल। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया जाए, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है थायोफिल। थायोफिल। इसी तरीके से अगर जैसे बेंजीन रिंग की तरह कंपाउंड बनाए, ये हो गया, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं पाइरिडीन। पाइरिडीन, ठीक है। तो ये बहुत सारे हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जिनको आपको याद रखना है एग्जाम में, जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं या अब इनके टर्म पूछे जाएं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें आपको याद हो, और इनका नाम आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट। तो ये बेटे क्लासिफिकेशन हो गया किस बेसिस पर, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया होमोसाइक्लिक या हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लियर। अब इसमें जो है एक फर्दर क्लासिफिकेशन आता है, जैसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो इसमें एक दो क्लासिफिकेशन करेंगे, एक जैसे हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, या एलीसाइक्लिक भी बोलते हैं, एली साइक्लिक कंपाउंड। दूसरा क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटे। तो एक हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एक हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें क्या है, देखो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इसे अभी आप एरोमेटिक कंपाउंड का पूरा एक अलग से लेक्चर है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, कब एरोमेटिक कंडीशन फॉलो करेगा नहीं करेगा, उसकी एक पूरी की पूरी अलग से ही एक लेक्चर, उसका पूरा एक दो लेक्चर होगा, वहां पे बताया जाएगा। अभी आप सिंपल ये समझो कि जैसे बेंजीन लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, उस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड में रखेंगे। एक्चुअली ये जो एरोमा टर्म है बेटा ना, एरोमा का मतलब होता है सुगंध। तो स्टार्टिंग में ये क्लासिफिकेशन था उन कंपाउंड्स के लिए जिनके अंदर से स्मेल बहुत अच्छी आती है, ठीक, उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड बोला गया। लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी किया गया तो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनकी स्मेल जो है बहुत ऑफेंसिव स्मेल होती है, राइट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, क्लियर। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल जो हैं, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक, तो उनके एग्जाम्पल्स में बेटा जैसे बेंजीन रिंग हो गया, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इसे हम बेंजीन बोलते हैं। जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे साइक्लोहेक्सेन है, तो ये किस में आ जाएगा बेटा? है तो ये भी होमोसाइक्लिक, रिंग में पूरे क्या है? कार्बन है, रिंग में पूरे क्या है? कार्बन, दोनों के दोनों होमोसाइक्लिक हैं, लेकिन ये एरोमेटिक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, जबकि ये एरोमेटिक नहीं है, क्लियर। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लोहेक्सेन, जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया या साइक्लोब्यूटीन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, अगर डबल बॉन्ड लगा दिया तो साइक्लोब्यूटीन हो गया, ये सारे कंपाउंड आपके साइक्लोब्यूटीन, राइट। ये नॉन एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड है। बेंजीन या बेंजीन से मिलते जुलते कंपाउंड, ठीक, जहां भी बेंजीन रिंग आपको एक दिख जाए उसमें और भी जुड़े हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बेटा देखो ये बेंजीन है, इसमें एक और रिंग ऐसी ही जोड़ दो, ये हो गया। इसे क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। ठीक, एक और जोड़ दीजिए तो उसे क्या बोला जाएगा, एक और जोड़ देते हैं यहां पर, एक बेंजीन रिंग ये था, एक बेंजीन रिंग और हम जोड़ देते हैं, क्लियर। तो अब ये एक बेंजीन रिंग था, एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, क्लियर। तो इस कंपाउंड को बेटा हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। अगर इसी में पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है ये रिंग ऊपर ऐसे जोड़ दी जाए तो इसे बेटा बोलते हैं फिनेंथ्रोलीन, तो बेंजीन नेप्थलीन ये सब्लिमेबल कंपाउंड होता है। सबलाइम हो जाता है आसानी से, कौन, एंथ्रासीन, क्लियर। बेंजीन नेप्थलीन एंथ्रासीन बेटा ये नीचे वाला है, ये नेप्थलीन है और ये क्या है, फिनेंथ्रोलीन। तो ये सब होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, रिंग को बनाने में जो कार्बन एटम अटैच्ड है वो केवल कार्बन है, कोई दूसरा एटम नहीं प्रेजेंट है, और कैसे है, एरोमेटिक, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स, राइट। इसी तरीके से जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक में भी दो आएगा, एक नॉन एरोमेटिक और एक एरोमेटिक, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे कैसे होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। आप पूरा लिखना, एरोमेटिक कंपाउंड शॉर्टकट में मत यूज करना। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे हम बात कर लें, जैसे अभी हमने देखा था क्या, हमने एक कंपाउंड देखा था टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है ये बेटा कैसा है, टीएचएफ, टीएचएफ, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता है, लेकिन जो फ्यूरॉन था वो कैसा होता है, वो एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर पाया जाता है। जो फ्यूरॉन था, थायोफिन, थायोफिन में भी एरोमेटिक कैरेक्टर पाया जाता है। तो ये हो गया आपका फ्यूरॉन, ये हो गया थायोफिन, ऊपर नेम ऑलरेडी मेंशनड है, ये हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में आ गया आपका, या कोई भी दूसरा ऐसा कंपाउंड आप बना सकते हो। जैसे मान लो हम इस तरीके से कर दें, यहाँ नाइट्रोजन ले लें, ऐसे कर लें, ये कर लें, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लें, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लें, लेकिन बेटा यहां पर ये डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये कंपाउंड भी हमारा किस में आएगा, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, नॉन एरोमेटिक में आएगा। लेकिन यही अगर पाइरिडीन बन जाएगा और डबल बॉन्ड जो है पूरे के पूरे अल्टरनेट होंगे, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा, तो ये हमारा कंपाउंड कैसा होगा, ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो जो
पायरिडीन होता है वो एरोमेटिक होता है, फ्यूरॉन एरोमेटिक होता है, थायोफीन एरोमेटिक है, लेकिन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो है वो नॉन एरोमेटिक है और हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हुआ ऐसा कंपाउंड जहां पर कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी रिंग में प्रेजेंट है। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और वहां पर जो कुछ और टर्म्स होंगे उनको हम जब एरोमेटिक कंपाउंड में डिस्कस करूंगा तो वहां पर डिटेल में आपको बताएंगे। अभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट पार्ट में कैसे क्लासिफाई किया गया।